नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। दिनभर की बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं दिव्या राय। बड़ी खबरों में आज बात करेंगे पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की, वहीं 2019 के लिए कांग्रेस के नए प्लान की। साथ ही बताएंगे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की बीजेपी पर एक और आरोप के बारे में। जानेंगे अन्ना हजारे ने क्यों कहा कि वो अगले साल मोदी सरकार के खिलाफ आमरण आंदोलन करेंगे। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव के परिवार ने की मुलाकात, शीशे की दीवार के बीच पत्नी और मां को देख भावुक हुए जाधव। पीएम मोदी ने किया नोएडा कालकाजी मैजेंटा लाइन मेट्रो का उद्घाटन, बोले नोएडा आने से नहीं जाती सीएम की कुर्सी। मेट्रो उद्घाटन में ना बुलाए जाने से दिल्ली सरकार नाराज, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा मेट्रो का किराया बढ़ाने वाले केजरीवाल से डरते हैं। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का विवादास्पद बयान, डॉक्टरों की छुट्टी पर बोले लोकतंत्र को नहीं मानते डॉक्टर तो बन जाए नक्सली, हम मार देंगे गोली। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। पिछले 21 महीने से कथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मुलाकात आज उनकी मां और पत्नी से हुई। इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। हालांकि इस मुलाकात के बीच में पाकिस्तान ने एक शीशे की दीवार खड़ी कर दी। तथाकथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मुलाकात आज उनकी मां और पत्नी से हुई। इस्लामाबाद में हुई इस मुलाकात के वक्त भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह भी मौजूद रहे। पाकिस्तान ने जाधव को उनके परिवार से तो मिलवाया, लेकिन उनके बीच में शीशे की दीवार लगवा दी, जिसकी वजह से एक माँ अपने बेटे को छू ना सकी, एक पत्नी अपने पति के आंसू ना पोंछ सकी। करीब आधे घंटे से ज्यादा चली इस मुलाकात में कुलभूषण शीशे की दीवार के बीच ही अपने परिवार को देखते रहे। उनकी आंखें परिवार के सामने भी अपनी बेगुनाही साबित कर रही थी। कुलभूषण ने अपने परिवार के सामने होने के बावजूद उनसे फोन पर ही बात की। जिस वक्त जाधव अपने परिवार से मिल रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान की पैनी नजर बनी हुई थी। सच को झूठ बताने वाले पाकिस्तान ने कैमरे और कई अधिकारी बंद कमरे में खड़े कर रखे थे। इस मुलाकात को पाकिस्तान ने 3 टीवी कैमरों से रिकॉर्ड किया। जब मां अपने बेटे से मिलकर बाहर निकली तो उसकी आंखों से अपने बेटे से बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा था। जाधव की परिवार के साथ इस मुलाकात पर देश भर के मीडिया की नजरें थी। जाधव करीब 22 महीने बाद अपने परिवार से मिले। वहीं इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान का कहना है कि आज पाक के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्मदिन है, इसी मौके पर इंसानियत के नाते उन्होंने ये मुलाकात करवाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में जाधव को मौत की सजा सुनाई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की अपील के बाद फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा हुआ है। रिपोर्ट। तो मां पत्नी और कुलभूषण के बीच पाकिस्तान ने शीशे की दीवार खड़ी कर दी, जिसकी काफी आलोचना हो रही है। बहरहाल बढ़ेंगे अगली खबर पर। 2019 के फाइनल मुकाबले से पहले कई राज्यों में सेमीफाइनल का मुकाबला होना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। और आने वाले चुनाव में राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ साथ इस बार कांग्रेस वैज्ञानिक विश्लेषण का भी सहारा लेगी। कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार उतारने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगी। कांग्रेस नेता ने बताया कि सही उम्मीदवार का चयन करने के लिए प्रत्येक विधानसभा के वोटर शेयर का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगी और उसी के आधार पर रणनीति बनाकर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। इस वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए पेशेवर विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी से 2 कदम आगे चलेंगे, इसलिए अभी से हमने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि हम लगातार उम्मीदवारों पर अध्ययन कर रहे हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे और निर्वाचन क्षेत्र में उनकी स्थिति बेहतर है। बीजेपी से आगे निकलने के लिए इस बार कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा करने में भी देरी नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बार अंतिम समय में लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। बहरहाल कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तो तैयार कर ली है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये रणनीति पंजे को मजबूत करने के लिए कितनी कारगर साबित होती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो कांग्रेस अपनी नई रणनीति में जुट गई है। वहीं गुजरात में पार्टी के ही सहयोगी रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अभी शांत नहीं हुए हैं, बीजेपी पर उनका हमला जारी है। हार्दिक पटेल ने आज एक बार फिर बीजेपी की जीत को लेकर ईवीएम को सवालों के घेरे में खड़ा किया। हार्दिक ने दावा किया कि गुजरात में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी और इसी वजह से बीजेपी जीत पाई। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, मैं यह साबित कर सकता हूं कि 99 का फेर बीजेपी का रचा रचाया षड्यंत्र है।
बीजेपी को पता था कि उसे बहुमत हासिल नहीं होगा, इसलिए किसी भी तरह के शक से बचने के लिए बीजेपी ने 100 के आंकड़े को नहीं दिखाया। चुनाव की शुरुआत में बीजेपी ने 150 सीटों का लक्ष्य तैयार किया था, पर जब उसने देखा कि 150 तो दूर, वो जीत भी हासिल नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने ईवीएम में गड़बड़ी की और खुद को 99 के फेर में फंसाया ताकि किसी को भी शक न हो। हार्दिक पटेल ने कहा कि 2012 में जब बीजेपी ने जीत हासिल की थी तो पूरा गुजरात खुश था, इस बार सिर्फ दो लोग खुशी मना रहे हैं, बाकी गुजरात असहाय महसूस कर रहा था। गुजरात में कोई भी इस तरह की जीत से खुश नहीं है। बीजेपी पर हमला बोलने के साथ साथ हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की भी तारीफ की। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर रहा है, इसी का नतीजा है कि ग्रामीण इलाकों से बीजेपी का सफाया हो गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब अगली खबर बिहार से, जहां केंद्र में किंग मेकर रहे राजद मुखिया लालू यादव का चारा घोटाले में दोषी करार किया जाना आरजेडी के लिए किसी सियासी भंवर में उलझने से कम नहीं है। सीबीआई के फैसले से आरजेडी कार्यकर्ता तो दंग हैं ही, लेकिन लालू की पत्नी राबड़ी देवी चिंतित भले हों पर उनका मनोबल ऊंचा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि लालू जी को इंसाफ जल्द मिलेगा। आरजेडी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि हमें अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए, बिहार और देश के अन्य हिस्सों में हमारे कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखनी चाहिए, कार्यकर्ता अपने मनोबल को गिरने न दें। भले ही राबड़ी देवी ने कार्यकर्ताओं को न्याय का विश्वास दिलाकर दिलासा दे दिया, लेकिन वो खुद लालू के जेल जाने से बेहद परेशान हैं। लालू यादव की सेहत पर चिंता जताते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि वो दवा पर रहते हैं, सुबह शाम दवा लेते हैं। दवा को लेकर कोर्ट में भी अर्जी दी गई है, पता नहीं उसका क्या हुआ। कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि जनता में निराशा है, पर मन में यह आशा है कि साहिब को न्याय मिलेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर पर, जहां लोकपाल आंदोलन से मनमोहन सिंह की सरकार को हिला देने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे अब एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं और इस बार उनके निशाने पर मोदी सरकार है। अपने आंदोलन से पहले अन्ना ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वो प्राण त्याग देंगे। उत्तर प्रदेश के संभल के नगरपालिका मैदान में भारतीय किसान यूनियन के सम्मेलन में समाज सेवी अन्ना हजारे ने किसानों के हालात पर चिंता जताई। अन्ना हजारे ने कहा कि भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन देश के हालात पहले जैसे हैं। अब तो गोरे देश छोड़कर चले गए, कालों ने राज कर लिया, फिर भी किसान की किस्मत नहीं बदली। मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि 23 मार्च से दिल्ली में होने वाला आंदोलन मेरा अंतिम आंदोलन होगा, इसमें सरकार को भी सभी मांगे पूरी करनी होगी, नहीं तो मैं आंदोलन में बैठकर ही अपने प्राण त्याग दूंगा। अन्ना ने आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों से कहा कि अगर जेल में जाने को तैयार हो तो दिल्ली में आंदोलन में आना। आपको बता दें कि लोकपाल बिल अब तक नियुक्त नहीं होने के कारण अन्ना नाराज हैं। लोकपाल कानून मनमोहन सिंह की सरकार में बना था, लेकिन अब तक अलग अलग कारणों से लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसे लेकर ही अन्ना हजारे ने पिछले 3 सालों में पीएम को 32 पत्र भी लिखे हैं, लेकिन एक का भी जवाब उन्हें नहीं मिला। इसी पर नाराजगी जताते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि पिछले 3 साल से मैं चुप हूं, अब नई सरकार आती है तो हमें उसे अवश्य कुछ समय देना चाहिए, इसलिए मैं चुप रहा, लेकिन अब बोलने का वक्त आ गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो उधर समाज सेवी अन्ना हजारे मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आज क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और नोएडा वासियों को तोहफा देते हुए पहली चालक रहित मैजेंटा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी के साथ मेट्रो की भी सवारी की। नोएडा को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाली करीब 13 किलोमीटर लंबी रेल सेवा को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मेट्रो उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो में सफर भी किया। वो बॉटनिकल गार्डन स्टेशन से ओखला वर्ल्ड सेंचुरी स्टेशन तक गए। प्रधानमंत्री इस वर्ष अब तक 2 मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर चुके हैं। आपको बता दें कि नई मैजेंटा लाइन नोएडा के बॉटनिकल गार्डन को दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी मंदिर स्टेशन से जोड़ता है। बॉटनिकल गार्डन से कालकाजी के बीच 9 स्टेशन हैं। अब मैजेंटा लाइन के जरिए बॉटनिकल गार्डन से कालकाजी मेट्रो स्टेशन जाने वाले यात्रियों को पहले 52 मिनट की तुलना में अब सिर्फ 19 मिनट लगेंगे। अभी तक यात्रियों को बॉटनिकल गार्डन से मंडी हाउस जाने के लिए ब्लू लाइन पकड़नी पड़ती थी और वहां से कालकाजी जाने के लिए वायलेट लाइन की मेट्रो पकड़नी होती थी, लेकिन अब मैजेंटा लाइन का इस्तेमाल कर वे 19 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। वहीं इस पूरी लाइन पर निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ट्रेन बॉटनिकल गार्डन स्टेशन से जनकपुरी वेस्ट तक दौड़ेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और अब बुलेटिन के आखिर में बात मिसाइल प्रेमी देश उत्तर कोरिया की। अमेरिका और उत्तर कोरिया में डाल डाल और पात पात का खेल चल रहा है, जहां परमाणु परीक्षण के लिए अमेरिका उत्तर कोरिया को धमकी देता है, तो वहीं उत्तर कोरिया उल्टा अमेरिका को ही आंख दिखा देता है।
जी हां, यूएन के नए प्रतिबंध की घोषणा के बाद उत्तर कोरिया ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए बयान में कहा गया है कि हम ताजा प्रतिबंधों को पूरी तरह खारिज करते हैं क्योंकि यह हमारे देश की संप्रभुता का हिंसक उल्लंघन है। उत्तर कोरिया यही नहीं रुका, उसने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह युद्ध को उकसाने वाला कृत्य है क्योंकि इससे कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि 29 नवंबर को उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में तेल प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दे दी है। नए प्रतिबंधों के तहत उत्तर कोरिया की पेट्रोलियम पदार्थों तक पहुँच सीमित कर दी गई है। उत्तर कोरिया पर डीजल और केरोसिन समेत लगभग 90% रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देवीराय की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लॉगिन करें dblive.tv। नमस्कार।